हम किसी फिलॉसफी को या टीचिंग्स को पढ़ते हैं, सुनते हैं, उस पर चिंतन मनन करते हैं और उसे अपने ढंग से ग्रहण करते हैं या समझते हैं। अपने ढंग से समझना, ग्रहण करना ही इंटरप्रिटेशन है। मैंने कोई पोइट्री पढ़ी और उसको अपने ढंग से समझा, और वास्तव में हम अपने ही ढंग से समझ सकते हैं, किसी और के ढंग से तो समझ नहीं सकते हैं। तो उस पोइट्री को पढ़ने के बाद मेरे मन में जो भी समझ या जो भी विचार पैदा हुए वह भाष्य है, इंटरप्रिटेशन है। अब मूल कवि ने अपनी कविता में क्या कहा, किस भाव दशा से लिखा, यह तो वही जान सकता है, लेकिन हम उसे जिस ढंग से रिसीव कर रहे हैं वह इंटरप्रिटेशन के दायरे में आता है। इसी प्रकार जब भी हम किसी फिलॉसफी को, किसी टीचिंग्स को पढ़ते हैं, सुनते हैं, चिंतन मनन करते हैं, तो उसे अपने ढंग से रिसीव करते हैं। हम ये कभी नहीं कह सकते हैं कि उस शिक्षक का यही मंतव्य था, यही आशय था। हम कभी ये दावा नहीं कर सकते हैं कि उस शिक्षक या दार्शनिक ने जो लिखा, जो बोला, उसका यही आशय था जो मैंने समझा है। हो सकता है नहीं हो, हो सकता है हो। इसीलिए हम जो कुछ भी समझते हैं वह हमारी अपनी समझ होती है, उसे हमने अपने ढंग से समझा है और उसी से ही हमें सीखना होता है। इसीलिए हम यह कभी नहीं कह सकते हैं कि जे कृष्णमूर्ति जी ने यही बोला था, उनका यही आशय था। इस तरह का दावा कभी नहीं किया जा सकता है। शायद यही कारण था कि जे कृष्णमूर्ति जी ने हमेशा इस बात पर जोर दिया कि उनका कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, उनकी शिक्षाओं का कोई प्रतिनिधि नहीं है और ना ही होगा। वे हमेशा इंटरप्रिटेशन के प्रति सावधान करते थे कि मेरी शिक्षाओं का इंटरप्रिटेशन हो सकता है, और इंटरप्रिटेशन मूल समझ नहीं है, वह ओरिजिनल अंडरस्टैंडिंग नहीं है। ओरिजिनल अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको उस शिक्षक की जो मूल पुस्तकें हैं, उनकी जो मूल वार्ताएं हैं, उसमें सीधे जाना होगा और वहां से जो समझ उभरती है उसी से हमें सीखना होगा। इसीलिए जी कृष्णमूर्ति की शिक्षाओं पर बात करना एक जोखिम भरी यात्रा है, एक प्रकार से जोखिम उठाना है, और यही वजह है शायद कि इस जोखिम को उठाने वाले बहुत ही कम हैं, क्योंकि जी कृष्णमूर्ति जी हमेशा इस बात के प्रति सावधान करते रहे थे कि उनकी शिक्षाओं का इंटरप्रिटेशन नहीं किया जाए। तब क्या इसका यह अर्थ है कि उनकी शिक्षाओं के बारे में बातचीत नहीं की जाए, उसको किसी के साथ शेयर नहीं किया जाए? यह प्रश्न उनसे पूछा गया। उनको किसी ने लिखा कि मैं आपकी शिक्षाओं को सुनता हूँ और उसमें मुझे एक अपार सौंदर्य दिखाई देता है। मैंने उसको पूरी तरह नहीं समझा है, पर जितना भी समझा है, क्या मैं उसको शेयर कर सकता हूँ अपने मित्रों के साथ?
तब जय कृष्णमूर्ति जी ने एक बड़ा ही खूबसूरत रिप्लाई दिया। उन्होंने कहा कि जब आप किसी सुंदर घाटी में जाते हैं, पहाड़ों पे जाते हैं और उसके सौंदर्य से अभिभूत हो जाते हैं, यू आर टर्स्ट बाय द ब्यूटी ऑफ द माउंटेन्स, तब क्या यह सहज नहीं है जब आप लौटें तो अपने मित्रों के साथ उस सौंदर्य को शेयर करें? यह तो बिल्कुल सहज बात है। हाँ, उस सौंदर्य को शेयर करते समय इस बात का ध्यान रखें कि यह जो सौंदर्य मुझे महसूस हुआ है यह पूर्ण नहीं है, आंशिक है। ऐसा ना कहें कि जिस तरह से मैंने इस सौंदर्य को समझा है वही सत्य है। हो सकता है कि मैंने उसका केवल एक अंश समझा हो, एक पार्ट समझा हो, उसको पूर्ण रूप से नहीं समझा हो। तो क्या मैं सौंदर्य को बिना किसी दावे के साथ, बिना किसी ओनरशिप के साथ, बिना यह कहे कि मैंने जो समझा है वही समझ पूर्ण है, क्या इस विनम्रता के साथ शेयर कर सकता हूँ? तब फिर यह एक अलग ढंग की शेयरिंग होगी। तब फिर यह दो मित्रों के बीच का वार्तालाप होगा, एक संवाद होगा जिसमें हम साथ मिलकर खोज रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इस YouTube चैनल पर मैं जो कुछ भी शेयर कर रहा हूँ वह मैं अपनी समझ को शेयर कर रहा हूँ, और मैं कभी नहीं कह सकता हूँ कि जो मैंने समझा है वह पूर्ण है या जय कृष्णमूर्ति जी का यही आशय था। जय कृष्णमूर्ति की शिक्षाओं का मैंने चाहे जितने भी वर्षों तक अध्ययन किया हो, उस पर चिंतन मनन किया हो, लेकिन यह मैं कभी नहीं कह सकता हूँ कि मेरी जो समझ है वह पूर्ण है या जय कृष्णमूर्ति जी का यही आशय था जो वह कहना चाहते थे। जय कृष्णमूर्ति की शिक्षाओं में मुझे जितना भी सौंदर्य महसूस हुआ है, उनकी शिक्षाओं ने हृदय को जितना भी स्पर्श किया है, उसी को यहाँ पर हम शेयर करते हैं। और इस बात का पूरा एहसास है, हो सकता है कि इस समझ में कुछ कमी हो, वह अधूरी हो। जय कृष्णमूर्ति एक बात और कहा करते थे कि यदि आपने किसी बात को समझ लिया है, चाहे उनको पढ़कर समझा हो या किसी और को पढ़कर, पर वह समझ उस पल हमारी होती है। जो गहरी अनुभूति या बोध होता है उस क्षण वो हमारे भीतर घटित होता है, तब वह किसी का बोध नहीं रहा, वह हमारे भीतर हो रहा है। उसमें किसी की छाप नहीं है, उसमें किसी का ओनरशिप नहीं है, यहाँ तक कि मेरा भी नहीं है। बोध या समझ व्यक्तिगत नहीं होती है, बस होती है ना, वह मेरी होती है ना आपकी ना किसी और की, वह पूर्ण रूप से इम्पर्सनल, निर्वैयक्तिक होती है। यदि आप मुझसे पूछें कि जय कृष्णमूर्ति जी की शिक्षाओं को समझने के लिए क्या करना चाहिए, तो सबसे पहले तो मैं यही कहूँगा, उनकी जो मूल शिक्षाएं हैं उसका अध्ययन करें। उन्होंने मुख्य रूप से अंग्रेजी में बोला, और मुझे पता है कि कई सारे मित्र, कई सारे दर्शक अंग्रेजी से परिचित नहीं हैं, तो उनकी शिक्षाओं का अनुवाद हुआ है, उसको पढ़ सकते हैं। हालांकि ये हमेशा बेहतर होता है कि हम मूल ग्रंथ को पढ़ें उस मूल भाषा में। यदि यह संभव हो कि आप
मूल भाषा में यानी इंग्लिश में उसको पढ़ सकें तो वह सबसे बेहतर होगा। जय कृष्णमूर्ति जी की भाषा कोई कठिन नहीं है, उनकी भाषा में एक पोइट्री है, एक काव्य है। और मेरा जो अनुभव रहा है कि उनकी टीचिंग्स को मूल भाषा में पढ़ते हुए आप उस भाषा को भी सीख सकते हैं। जय कृष्णमूर्ति की शिक्षाएं एक काव्य की तरह है, एक पोइट्री की तरह है, एक गीत की तरह है। और उस गीत को सुनने के बाद जो मेरे भीतर प्रतिध्वनियाँ इकोज उठते हैं उन्हीं को मैं शेयर करता हूँ। तो जो शेयर किया जा रहा है वह मेरी सीमित समझ है। उसी प्रकार जैसे आप शैली या कीट्स को पढ़कर कोई प्रोफेसर अपनी क्लास में कुछ शेयर करता है तो वह अपनी समझ शेयर कर रहा है। यह ज़रूरी नहीं है कि शैली और कीट्स ने जब उस पोइट्री को लिखा होगा तो उनके मन में यही बात होगी, यह जानने का शायद कोई ज़रिया भी नहीं है। तो ज़्यादा से ज़्यादा हम उस पोइट्री को पढ़ने के बाद हमारे भीतर जो प्रतिध्वनियाँ उठ रही हैं उसी को शेयर कर सकते हैं, बिना यह कहे कि मेरे भीतर जो प्रतिध्वनियाँ उठी हैं या उठ रही हैं वही मूल है, ओरिजिनल है। तो इन शिक्षाओं को शेयर करना दो मित्रों के बीच हो रहे संवाद की तरह है। आखिरी में एक सवाल के साथ इस वार्ता को समाप्त करते हैं। हमारा ब्रेन या माइंड एक इंटरप्रिटेशन की मशीन है। ब्रेन लगातार इंटरप्रेट कर रहा है, जो कुछ भी वह सुन रहा है, पढ़ रहा है, अनुभव कर रहा है उसका इंटरप्रिटेशन चल रहा है। अब क्या यह पॉसिबल है कि हम किसी बात को बिना इंटरप्रिटेशन के सुन पाएं, हमारा सुनना इस तरह हो, इतनी गहराई से हो कि बीच में कुछ भी ना आए। हमने जैसे ही किसी बात को सुना तत्क्षण बिना समय की प्रक्रिया के, क्योंकि समय की प्रक्रिया ही इंटरप्रिटेशन है, तो बिना समय की प्रक्रिया के हम उस सत्य को या उस झूठ को तत्काल देख सकें। ये जो तत्काल देखना होता है ये एक अलग ढंग का कर्म लाता है, ये एक अलग ढंग का एक्शन लाता है। फिर हमारे सुनने में और अंतर्दृष्टि में और एक्शन में कोई गैप नहीं होता है, समय की कोई भूमिका नहीं होती है, वहाँ पर फिर इंटरप्रिटेशन की कोई गुंजाइश नहीं है। तो क्या इस तरह से सुनना हो पा रहा है?